कमरे में सन्नाटे के बीच 42 साल की वो महिला रह रही है जिसके ऊपर दरिंदों की भीड़ टूट पड़ी थी। 4 मई को दरिंदगी के उस नंगे नाच में जिन 2 महिलाओं की परेड नामर्दों की भीड़ करा रही थी, उसमें से एक पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया है जो सिहरा देने वाला है। पीड़िता ने उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बताया, भीड़ पहाड़ों के रास्ते हमारे गांव को जलाते हुए लूटी हुई गायें, बकरियों और सुअरों के साथ लौट रही थी। इसी दौरान कुछ बकरियां वहां आ गईं जहां हम छिपे हुए थे। बकरियों के पीछे वो भी आए और इस तरह भीड़ ने हमें पकड़ लिया। भीड़ ने कुकी जनजाति के लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। मुझे और 21 साल की एक लड़की को उसके पिता और भाई के साथ भीड़ मेन रोड पर ले गई। हमारा घर, साजो सामान, सब कुछ जला दिया गया। भीड़ से कुछ लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही और लोग वहां आए, उन्होंने हम पर लात और मुक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, हमें गलत तरीके से दबोचा। हम सब बचने के लिए एक पुलिस वैन में छिप गए। पुलिस जीप में 2 पुलिस वाले और एक ड्राइवर था, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों को भी भगा दिया। 21 साल की उस लड़की के जिस्म से जब भीड़ खिलवाड़ करने लगी तो उसके पिता और भाई ने विरोध किया, लेकिन भीड़ ने उन्हें जान से मारकर उनकी लाश ड्रेन में फेंक दी। इसके बाद वो लोग उसकी ओर आए और उसके सारे कपड़े उतार फेंके। भीड़ ने हम 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। वो धमकी देते रहे कि वो हमें जान से मार देंगे। इसके बाद हमें रोड से धान के खेत में ले जाया गया, जहां कुछ लोगों ने घेर कर 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, मैं एक माँ हूँ। मैंने सोचा शायद उनको कुछ दया आ जाए, लेकिन भीड़ तो वहशी हो चुकी थी। उस लड़की को घेर कर भीड़ से चीख कर लोग पूछ रहे थे, कौन इसका रेप करना चाहता है। इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं पहचानती थी, कुछ पड़ोसी और कुछ पास के गांव वाले। मैं उनसे रहम की भीख मांगती रही। 2 घंटों तक भीड़ की दरिंदगी चलती रही। इसके बाद हमें दोबारा उस पुलिस जीप के पास लाया गया था जहां हमारे कपड़े उतारे गए थे। वहां पर 21 साल की लड़की के पिता और भाई की लाश पड़ी थी। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कुछ लोग हमारे पास आए और कहा कि तुम लोग चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। कुछ लड़कों ने हमें टी शर्ट दी, लेकिन भीड़ ने वो भी छीन ली। हम किसी तरह खुद को दुपट्टे में छिपाते हुए गांव तक पहुंचे। वहां सभी महिलाएं जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते नागा गांव में जा रही थी। मैं भी उनके साथ होली। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद हम चूरा चंदपुर में असम राइफल्स के रिलीफ कैंप में पहुंचे। बता दें कि पिछले 2.5 महीने से मणिपुर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा की आग में झुलस रहा है। वायरल वीडियो की दरिंदगी वाली घटना 4 मई को घटी थी, लेकिन यह वीडियो वायरल हुआ 19 जुलाई को। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सारा देश सन्न रह गया। गुरुवार को इस घटना का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। 4 मुख्य अभियुक्तों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों की उस भीड़ में जाने कितनों को कानून सजा दे पाएगा, लेकिन इस दरिंदगी का दंश इन महिलाओं के जहन में एक डरावने सपने की तरह हमेशा तैबस्त रहेगा। हमारी प्रार्थनाएं पीड़िताओं के साथ हैं।